छठा नंबर क्वेश्चन में फिर से देख लेते हैं। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। देखिए एक लड़का भी है और लड़का का हाइट कितना है 1.5 मीटर और एक भवन है कुछ दूरी पर खड़ा है भवन से वो है 30 मीटर। जैसे मान लिया जाए तो ये हम लोगों का भूमि है, ये हम लोगों का भूमि है, ठीक है, और इस भूमि पे एक लड़का खड़ा है, एक लड़का है जिसका हाइट 1.5 मीटर है, ठीक है, और कुछ दूरी पर एक भवन है, ये रहा हम लोगों का भवन, भवन का हाइट कितना है एक्चुअली 30 मीटर, भवन का हाइट एक्चुअली कितना मीटर है 30 मीटर, ठीक है, और ये हम लोगों को लड़का है, ये लड़का कितना मीटर हाइट है लड़का का 1.5 मीटर, ठीक है, तो 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है और एक भवन है और भवन का ऊंचाई कितना है 30 मीटर, 30 मीटर ऊंचा भवन है, इससे कुछ दूरी पर खड़ा है, ये हम लोगों को लड़का और ये हम लोगों को भवन, इसके भवन से एक लड़का जो है कुछ दूरी पर खड़ा है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर पर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। इसका मतलब दोस्तों क्या है, अभी हम लोगों का यहां से यहां तक का जो एंगल है वो 30 डिग्री है, लेकिन जैसे ही लड़का कुछ दूर चलकर आगे आता है भवन की ओर, ठीक है, तब यहां से उसका हाइट कितना बन जाता है, उसका हाइट बन जाता है, तब हम लोगों को बन जाता है 60 डिग्री, ठीक है, तब हम लोगों को बन जाता है यहां से 30 डिग्री। यानी सवाल क्या बोला कि एक लंबा लड़का जो है जब ऊंचे भवन की ओर देखता है तो 30 डिग्री है, लेकिन कुछ दूर चलकर जब आगे आता है, कुछ दूर आगे चलकर आया तब उसके आंख से कितना डिग्री का कोण बनने लगा, इट मीन 60 डिग्री का कोण बनने लगा, तो यानी कि 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितना दूर चलकर गया, इसका मतलब है कि यहां से यहां तक कितना दूर चला, ये हम लोगों को मेन क्वेश्चन है, समझ में आ रही बात। चलिए सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि इस ट्रायंगल से, इस यानी कि ए बी सी, ठीक है, ए बी सी में हम लोग ये 60 डिग्री है, इसके सामने का तो पता नहीं, पता नहीं है, हाँ दूसरी बात कि इसका हम लोगों को वैल्यू पता नहीं है, तो एक्चुअली हम लोग ट्रायंगल ए बी सी में आप देख पा रहे होंगे डायग्राम, तो ये 1.5 है तो ये भी हम लोगों का 1.5 मीटर होगा, क्योंकि लड़का तो का जो हाइट है वो सब जगह का सेम होगा, 1.5 मीटर 1.5 मीटर 1.5 मीटर, ठीक है, तीनों का हाइट जो है सेम है। अब ये तीनों का हाइट 1.5 मीटर 1.5 मीटर 1.5 मीटर, तीनों का हाइट जो है सेम है। अब ये तीनों का हाइट जो है यहाँ पे सेम है, तो ऊपर कितना होगा हम लोगों का, ऊपर हो जाएगा हम लोगों को 28.5, ठीक है, यहां से यहां तक कितना हो जाएगा एक्चुअली 28.5, क्योंकि देख लो ए से लेकर नीचे तक की दूरी टोटल 30 मीटर है, तो यहां से यहां तक तो हम लोग 1.5 हो जाएगा, क्योंकि इसके सहायता से ये 1.5 है 1.5 है 1.5 होगा, यहां से यहां तक का कितना होगा 28.5, क्योंकि दोनों को ऐड करने से हम लोगों को 30 हो जाएगा, ठीक है, तो यहां से यहां तक हम लोगों को 28.5 होगा और यहां 1.5 है तभी ना जोड़ने पे हम लोगों को टोटल 30 होगा। अब आप त्रिभुज ए बी सी में चलिए और यहां से थीटा के सामने वाला होता है पी, है ना, तो यहां से आप कीजिए क्या
सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी में चलिए, ए बी सी में पी का वैल्यू कितना है, तो ए बी सी में पी का वैल्यू सामने वाला 28.5 है। थीटा कितना है, तो थीटा हम लोगों को 60 डिग्री है। और यहाँ पे ये सामने वाला पी है, लेकिन ये वाला वैल्यू हम निकालना चाहते हैं जिसको बी बोल रहे हैं, यहां से यहां तक बी सी, ठीक है, यानी कि बी को निकालना है। तो आप यहां अपनाइएगा कौन सा, टेन थीटा, फार्मूला क्या होता है, टेन थीटा पी बटा में बी। थीटा कितना है भाई, 60 डिग्री, तो टेन 60 बराबर पी है 28.5 बटा में बी। टेन 60 का वैल्यू कितना होता है, रूट 3 बटा में 1 बराबर 28.5 बटा में बी, और बी का वैल्यू कितना होगा, 28.5 बटा में रूट 3। यानी कि दोस्तों इस ट्रायंगल में ए बी सी में ये वाला जो हम लोगों को डिस्टेंस है वो 28.5 बटा में क्या है, रूट 3, ये हम लोगों को डिस्टेंस है 28.5 बटा में रूट 3, ये हम लोगों को यहां से यहां तक डिस्टेंस है पक्का। इसके सामने वाला तो पी हो गया, ये थीटा हो गया, तो नीचे वाला निकाल लिए। अब आपको क्या करना है, इसका नाम रख देते हैं डी, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, ए डी सी में चलिए, यहां तो डी सी है, ए डी सी ट्रायंगल में चलिए, और यहां से भी हम लोगों को थीटा कितना है 30, सामने हो जाएगा पी, इसका भी सामने तो पी वही ना होगा 28.5, लेकिन अब की बार जो बेस निकलेगा वो डी से लेकर सी तक के निकलेगा। ये हम लोगों को बी का वैल्यू निकला है त्रिभुज एबीसी में, वो बीसी का मान निकला है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि बीसी बराबर 28.5 बटा में रूट 3, ठीक है। अब आप पूरा ट्रायंगल में चलिए, क्योंकि सवाल क्या बोल रहा था कि वह लड़का जो है भवन की ओर कितना दूरी तक चलकर गया, यानी कि यही वाला दूरी हम लोगों को निकालना है कि कितना दूर गया, ठीक है, या फिर भवन की ओर कितना दूर तक गया और फिर खड़ा हो गया, क्लियर। तो अब आप ए डी सी में चलिए, त्रिभुज ए डी सी में, आप ए डी सी में देखिए, तो ए डी सी ट्रायंगल है, इस थीटा यहां पे कितना है 30 डिग्री, और इस 30 के सामने पी जो है, इस 30 के सामने पी जो है 28.5 है, पी जो है 28.5 मीटर है, यानी कि इस थीटा का जो वैल्यू है इसके सामने वाला पी होता है, और यहां से हम लोगों को किसका वैल्यू निकालना है, बी निकालना है, ठीक है। अब यहां से हमको क्या करना है, टेन थीटा पी बटा बी, और थीटा कितना दोस्त 30 डिग्री, तो टेन 30 इज इक्वल टू पी का वैल्यू 28.5 बटा में बी। ये कौन सी में चल रहे हैं, ये बी, फिर से बी निकाल रहे हैं, कौन ट्रायंगल में, ए डी सी में, ठीक है। तो यहां से जब हम लोग टेन 30 का वैल्यू रखेंगे, तो टेन 30 का वैल्यू होता है 1/√3, 28.5 बटा में रूट सॉरी बी, 28.5 बटा में बी, और तिरछा तिरछा गुना करेंगे, तो यहाँ बी का वैल्यू कितना आ रहा है 28.5, और तिरछा तिरछा गुना कर देते हैं रूट 3, तो 28.5 रूट 3। अब बताइए, तो यहाँ पे भी बी निकला किस त्रिभुज में, तो एडीसी में, एडीसी कौन है, एडीसी में बी हम किसको बोल रहे हैं, डीसी को, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि डीसी इज इक्वल टू 28.5 रूट 3, ठीक है, 28.5 रूट 3, ये हम लोगों को डीसी हो गया, ये हम लोगों को बीसी हो गया, ठीक है, तो बीसी हो गया और डीसी हो गया। लेकिन हमको निकालना क्या था दोस्त, हमको निकालना था डीबी, नहीं कि आखिर ये लड़का इतना दूर तक चलकर गया, तो ये वाला निकाल लेंगे तो इसके सामने वाला भी निकल जाएगा, यानी कि हमको डीबी निकालना था, तो उसके नीचे आप लिखिएगा कि डीबी बराबर, डीबी का मान कैसे निकलेगा, तो पूरा डीसी में से अगर बीसी को माइनस कर दें, देख लो डीसी मेरा पूरा लाइन है, यहाँ डी है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, अब डीसी में से अगर बीसी को माइनस कर देंगे
तो DB यहाँ बच जाएगा, ठीक है, DB बच जाएगा कुल मिलाकर। तो यहां से हम लोग DC में से किसको माइनस कर लेंगे, DC को, तब हम लोगों को DB निकल जाएगा। तो DB बराबर पूरा है DC, उसमें से अगर BC को माइनस कर लेंगे तो DB बच जाएगा। और DC का वैल्यू कितना है, 28.5 में रूट थ्री माइनस 28.5 बट्टा में रूट तीन। अब यहाँ पे उसके बट्टा में एक लिख सकते हैं, एक और रूट थ्री का एलसीएम ले लीजिए कितना होता है, रूट थ्री, और रूट थ्री से रूट थ्री, तो यहाँ हो जाएगा 28.5 गुना में तीन, क्योंकि एक से रूट थ्री बारह में कटेगा और रूट थ्री का गुना तीन होता है, 28.5 गुना तीन माइनस में 28.5। अब इसको अगर हम तीन से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 75.5, ठीक है, हाँ जी बिल्कुल 75. एक बार मिला लेते हैं, 75.5 क्लियर है, और माइनस करेंगे 28.5 बट्टा में रूट थ्री। तो यहाँ तरीके से हम लोग जब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, इसको घटाएंगे तो हम लोगों को मिलेगा 5 में से 5 गया 0, 8, 7, 15 के 5, 7 में 1, 2, 1, 3 और 4, 47.0। और 47.0 यानी कि 47/√3, ये हम लोगों को आंसर आ जाएगा। जरा एक बार इसके आंसर को भी मैच कर लेते हैं, कितना हम लोगों को आंसर आना चाहिए और कितना आंसर दिया हुआ है, ठीक है, भी आंसर को एक बार मैच कर लिया जाए। 5. देख पा रहे होंगे 9.1 का छठा का, अच्छा 19√3 है, तो 19√3 है, तो हम लोग कहीं ना कहीं मिस्टेक किए होंगे, जरा एक बार फिर से रीचेकिंग कर लेते हैं। तो 28.5 को 3 से गुना करेंगे, हाँ दोस्त एक मिस्टेक है, यहाँ पे 85.5 होगा और 85.5 में से अगर घटेगा तो 57.0 होगा। इसका मतलब है कि हम लोगों को मिल क्या रहा है, 57/√3। और पर में करण जानते हैं ना कि रूट थ्री से गुना और रूट थ्री से भागा कर सकते हैं, तो ऊपर हो जाएगा 57√3 बटा में √3 का गुना 3 और 19 57, तो यहाँ हो जाएगा 19√3 मीटर, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि हम लोगों को आंसर आ रहा है 19√3 और ये हम लोगों को करेक्ट भी है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देख रहे थे क्वेश्चन फिलहाल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 7 है वो हम दोस्त अगले दिन डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।